गाइस, वेलकम टू AU व्लॉग। मैं आज के व्लॉग में आपको एक बहुत ही सस्ता, आसान, रिफ्रेशिंग मैंगो का स्क्वाश बनाना सिखा रही हूँ। मैंगो आजकल गर्मी है, मैंगो मार्केट में दस्तयाब हैं और बहुत सस्ते भी हैं। आप देखें, इसमें वो तमाम चीज़ें इसमें हैं जो कि हमारे घर में मौजूद हैं। चीनी चाहिए आपको, टाटरी चाहिए, मैंगो चाहिए। सबसे पहले हम लोग मैंगोस को छील लेते हैं। इसके लिए आपकी मर्जी है, आप छुरी का इस्तेमाल करें, पीलर का इस्तेमाल करें। तो मैं आपको छील करके दिखाती हूँ। पहले हम मैंगोस को पील करते हैं। हम मैंगोस को अपना काटते हैं, छिलका उतारते हैं इनका। मैंने 1 किलो आम लिए हैं। इसके लिए आपको 1 किलो पानी चाहिए और 1 ही किलो आपको इसके लिए चीनी चाहिए। अगर आपके आम खट्टे हैं तो फिर ये हो सकता है कि आपको चीनी ज़्यादा चाहिए होगी। मैंगोस हमारे सारे कट हो गए हैं। इसको अब हम ब्लेंडर में डालते हैं और इनको ब्लेंड करते हैं। ये देखिए, मैं अब इनको ब्लेंडर में डाल रही हूँ, मैंगोस को अपने। मैंगोस हमारे ब्लेंड हो गए हैं। आए अब चूल्हा ऑन करते हैं। चूल्हा ऑन किया, पैन रखा और इसमें अब हम पानी डालेंगे। 1 किलो आप इसमें पानी डालो। ये देखिए, मैंने इसमें ये पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसमें हमने ये चीनी डालनी है। मैंने किलो की चीनी ली है, 1 किलो इसमें चीनी डाल दें। अगर आपके आम खट्टे हैं तो आप चीनी इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसकी कोई चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें उबाल आ जाए और हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। देखें, पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है, चाशनी हमारी तैयार होना शुरू हो गई है, पानी उबल रहा है। इस टाइम इसमें हम डाल देंगे टाटरी, आधा चम्मच टाटरी डालेंगे। टाटरी डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, आपका मैंगो स्क्वाश ख़राब नहीं होगा। ये देखें, हमने इसको बहुत देर तक पकाना नहीं है, बस इसको थोड़ी देर पकने दें। ये देखें, कोई एक तार की चाशनी नहीं बनानी, कुछ नहीं करना आपने, बस ये हमारी चाशनी तैयार होगी। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी मैंगो प्यूरी जो हमने ब्लेंड करके रखी हुई थी। इसमें से उतारते हैं। फ्लेम थोड़ा स्लो कर लें और अपनी सारी प्यूरी इसमें डाल दें। ये आपका मैंगो स्क्वाश तैयार। इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम अपनी बोतलों में डाल के प्रिजर्व करेंगे। इसको अब ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम आपसे फिर मिलते हैं। ये देखिए, हमारा स्क्वाश रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। इसको हम इस तरह की किसी भी बॉटल के अंदर भर के इसको हम अपने फ्रिज में रख लेंगे। देखिए, मैं आप लोगों के सामने इसको फिल करती हूँ। इसी तरह आप लोग इसको फिल कर लीजिएगा। हमारा मज़ेदार सा मैंगो स्क्वाश रेडी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
trip and don't relax. You hit the switch and just attack. You find your niche and make some racks. Don't hold back. Everybody wake up. It's time to break up with the life you made.